अध्यक्ष श्रीमती गुंजन गिरीस पालीवाल के खिलाफ लोकायुक्त में मामला दर्ज। नगर पंचायत में सीएमओ की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की गोलमाल करने की हुई शिकायत। लोकायुक्त ने कलेक्टर रायसेन को सीमा में जांच पूरी कर रिपोर्ट भेजने के लिए पत्र। जिला प्रशासन ने एसडीएम बरेली के नेतृत्व में 3 अधिकारियों की टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। नगर में फोरलाइन सड़क डिवाइडर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही ठेकेदार को कर दिया गया भुगतान। पीएम आवास, मुख्यमंत्री नल जल योजना सहित कई योजनाओं में हुआ जमकर भ्रष्टाचार। नगर पंचायत बरेली की शिकायत हुई है लोकायुक्त में, इसकी जांच भेजी गई है और किन मुद्दों पर इसकी जांच? कलेक्टर महोदय से विगत 2 दिन पहले मुझे एक जांच प्राप्त हुई है जो माननीय लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उसमें 7 बिंदुओं पर शिकायतकर्ता ने जो जांच बिंदु निर्धारित किए हैं उन्हें बिंदुओं पर दिया। इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी जल योजना और इसके अलावा अन्य बिंदु भी हैं जिसमें डिवाइडर निर्माण और निर्माण मुख्यमंत्री तहबजारी ऐसे बिंदु हैं। चूँकि शिकायत मुझे प्राप्त होने पर मैंने तत्काल इसका एक दल गठित कर दिया है जिसमें 3 सदस्यीय दल जो जांच करेगा मेरे नियंत्रण में। इसमें तहसीलदार को दल प्रमुख बनाया है और इसमें पीडब्ल्यूडी एसडीओ को और एक नापीदार को, 3 सदस्यीय दल है जो जांच करके देगा रिपोर्ट मुझे। तो इसके बाद ये क्या सबमिट आप होंगे, उसके बाद ही कुछ पुराने फाइल बढ़ेगी? जी हाँ, जिस शिकायत की जांच का तथ्य जब हम पूरे प्रमाण ले लेंगे, जाँच पूरी होने के बाद ही हम सबमिट करेंगे।